से हम कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। ऑलरेडी मैं लेट हूँ क्योंकि एक बस से जा रही हूँ, बस का टाइमिंग है 10:30 और ऑलरेडी इट इज़ शोइंग 1 आवर टू रीच देयर। सो गॉड नोस कि मैं पहुँचूंगी या नहीं पहुँचूंगी। सो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे वहाँ पर। सो गाइज, अभी आपको मेरे चेहरे पे वो एक्साइटमेंट दिख रही होगी घर जाने की। बैकग्राउंड में बज रहा था कभी खुशी कभी गम का टा ना 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 ना। और यहाँ लग गया था इतना ट्रैफिक कि पूछो मत। कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं था, और ये जो अंकल आपको दिख रहे हैं भागते हुए, ये ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे थे। बट फिर भी लोग बिल्कुल सुन नहीं रहे थे, कोई भी किधर से भी गाड़ी घुसा रहा है और पूरा ट्रैफिक जो है उसमें पूरी अपना योगदान दे रहा है और ट्रैफिक को बढ़ाने की। और यहाँ पे हो गई मारा मारी, आप देख सकते हो ये क्लिप में। ये ड्राइवर को इतना मारा पकड़ के लोगों ने कि पूछो मत। ये नहीं कि मतलब सब लेट हो रहे हैं तो हम ट्रैफिक खोलने में थोड़ा योगदान दें, बट सब ट्रैफिक लगवाने में योगदान दे रहे थे। Does make a U-turn. So guys, finally मैं बस में बैठ चुकी हूँ बहुत मगजमारी के बाद। बंदा मेरे को बार बार कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि गाड़ी निकल जाएगी निकल जाएगी। झगड़ा करना पड़ा मुझे बिकॉज मैंने बुक किया था 10:30 का वाला बस, फ्लाइट बोलने वाली थी 10:30 वाला बस, और ही इज़ टेलिंग मी कि 10:30 वाला बस ख़राब हो गया और आपको 10 बजे वाली में भेज रहे हैं। तो इन्फॉर्म कौन करेगा उसका बाप? सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट या ही वॉज लिटरली ऑन माई हेड कि हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं गाड़ी निकाल रहे हैं, ट्रैफिक लगा है, उसमें मेरी गलती है। सो फॉरगेट अबाउट इट। सो फाइनली आई मेड इट, सो आई एम गोइंग राइट नाउ। और एक और बड़ी चीज़, मैंने बुक किया है लोअर बर्थ, मुझे दिया है अपर बर्थ, इसलिए मैंने 100 रुपये कम दिए टिकट। अच्छा किया ना, कमेंट सेक्शन में बताना। इस ट्रैफिक में बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उड़ के आ जाऊं, आई डोंट नो हाउ। ये भी नहीं है एग्जैक्टली, वहाँ पे दोनों साइड से गाड़ी थी और लिटरली मारा मारी हो रही थी। वो वीडियो भी मैंने अटैच की है इस ब्लॉग में, आपको देखने के लिए मिलेगी। एक ड्राइवर को लिटरली 4-5 लोग पकड़ के मार रहे थे और देयर वॉज नो ट्रैफिक वाला बंदा, ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल जो लोग हैं वही ट्रैफिक पुलिस बन के गाड़ियाँ निकाल रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे बस रुकी है आधे घंटे के लिए और मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, बिकॉज़ मेरे पास कुछ खाने के लिए था नहीं, सिर्फ कुरकुरे चिप्स ये सब चीज़ें थी, विच इज़ नॉट हेल्दी एंड इट्स नॉट अ डिनर ऑब्वियसली। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैंने खाया है राजमा राइस। ऑर्डर तो कर ली बट इट वॉज पथेटिक राजमा चावल एवर ऑफ माई लाइफ। ऑल्सो आई हैड पेड 300 bucks फॉर दैट प्लेट जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है। टेस्ट वाइज ऑल्सो 0 एंड क्वान्टिटी वाइज ऑल्सो 0। क्वान्टिटी ज़्यादा भी होती है तो मैं खा नहीं पाती, बट या आई हैव वेस्टेड 300 rupees ऑफ माई लाइफ फॉर दिस। अब मैं जाके सो जाऊँगी बिकॉज आई एम सो टायर्ड। ऑलरेडी मैं सोई थी, वो बस वाले भैया ने बोला दैट यू नो यू विल गेट 1/2 hour फॉर खाना एंड वॉशरूम इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू यूज़, उसके बाद बस नहीं रुकेगी। सो इट वॉज़ लाइक अ मैंडेट थिंग फॉर मी। सो गाइज, ये होती है वो बस, इसमें आपको स्लीपर मिल जाता है, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, इवन सीट भी मिल जाती है, जैसे आप चाहो ट्रैवल कर सकते हो। बट हाँ, पिल्लो नहीं मिलता है इसलिए मैं यहाँ पे अपनी जैकेट को यूज़ कर रही हूँ एज अ पिल्लो और सोने की तैयारी कर रही हूँ। गुड नाइट। सो दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को बहुत अच्छे से मुझे नींद आई और अभी आपको व्यू दिखाऊंगी मैं अपनी विंडो से, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। जैसे जैसे आप क्रॉस कर रहे हो एरिया और जम्मू की तरफ जा रहे हो तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे बहुत कम टाइम रह गया था इसलिए मैं कर रही हूँ ब्लैंकेट फोल्ड और बस से उतरने की तैयारी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे हाथ में स्वेटर है क्योंकि बाहर साथ में और मुझे स्वेटर डालने का भी मौका नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं जाऊँगी फर्दर बस से जम्मू टू उधमपुर, जो कि सबसे इरिटेटिंग पार्ट है। कितना भी ट्रैवल कर लो बट दिस पार्ट इज़ सो इरिटेटिंग एंड सो अनॉइंग। सो ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड
ये हमारा जम्मू शहर है, जम्मू शहर मंदिरों का शहर है और यहाँ तवी नदी बहती है। तवी नदी की खासियत ये है कि इसके किनारे पर बहू का किला है और उस किले में माता बावे वाली का मंदिर है और बावे वाली माँ है जो वो हमारे जम्मू की आन बान और शान है। ये मंदिर राजा हरि सिंह जी ने बनाया था और वे रोज अपनी रानी के साथ वहाँ मंदिर में पूजा करने जाते थे। और संतों पैगंबरों की ये धरती हमारा जम्मू शहर है। सो गाइस ये होती है लोकल बस यहाँ की जो कि बहुत ही अनोइंग है, इतनी अनोइंग कि पूछो मत, फिर अब व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यार सनलाइट इज लुकिंग सो गुड ऑन माय स्किन सो दैट्स द रीजन आई एम शूटिंग हियर एंड आई विल शो यू द बस आल्सो। वेट फॉर अ वाइल, आई डोंट नो इस व्लॉग में मैंने कितनी बार वेट फॉर अ वाइल बोल दिया है। तो गाइस ये है हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस चीज़, इसको बोलते हैं कुलचा। वो देखो तवे के ऊपर जो तीन पड़े हैं, पानी बोतल, 10 साली 20 वाली पानी बोतल। टाइम के साथ साथ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे याद है किराया बहुत कम होता था, 30-40 रुपए, और आज वो किराया भी 90 रुपीज़ हो गया है। तो गाइस ये है पहाड़ और पहाड़ की खूबसूरती, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है वैसे तो हमारा जम्मू कश्मीर, बट फ़िलहाल आपको इतनी खूबसूरती दिखा सकते हैं। और ये है टिकरी का फेमस टेंपल जिसका नाम है महाकाली मंदिर। और यहाँ मैं पहुँच गई घर। हेलो, क्या हाल चाल? अभी जस्ट हाँ अभी जा रही हूँ अंदर।